Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about molecular basis of inheritance. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरी न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड वाली वीडियो जरूर देखें, उससे आपको ये चैप्टर समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है इसका न्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड? तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। पॉलीमर कैसे बनता है यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लें। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियोटाइड है एक, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड में अगर क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये चेन बन रही है। तो ये जो चेन बनती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू बनती है। कैसे? कि यहाँ पर ये जो चेन बनती है, मान लीजिए इसको हम थोड़ा और डिटेल करें, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट दूसरे शुगर के थर्ड प्राइम से जुड़ जाता है। तो एक फॉस्फेट बॉन्ड ये और एक फॉस्फेट बॉन्ड ये, तो फर्स्ट सेकेंड, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब वही पॉलीमर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। तो अब हम लोग इसकी डिस्कवरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। फ्रेडरिक मिशर फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लिक एसिड एंड गिव द टर्म न्यूक्लिन। इन्होंने क्या टर्म दिया था? न्यूक्लिन टर्म दिया था। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे पास, जैसे हम लोग देखें कि हॉस्पिटल में या किसी को चोट लग जाए तो जो बैंडेज वगैरह लगाते हैं उसमें येलो येलो कलर का कोई कंपोनेंट लगा होता है, उन्होंने जब उस कंपोनेंट को निकाला तो वो देखा कि पस सेल्स हैं, जिनको हम लोग ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, और उसमें जो कंपोनेंट है उसका नेचर ना ही प्रोटीन है और ना ही कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या था? कुछ अलग ही था। तो उन्होंने अभी उसका नेचर नहीं बताया कि एसिडिक है या बेसिक है, बस उन्होंने इसकी पोजीशन बताई कि न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लिन टर्म दे दिया। अब इसको न्यूक्लिक एसिड की इन्होंने बताया, तो न्यूक्लिक एसिड जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था अल्टमैन के द्वारा। उन्होंने देखा कि ये जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट सब्सटेंस है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट सब्सटेंस है इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक नेचर क्या होता है? जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनाते समय फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो फॉस्फेट में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास फॉस्फेट का एक OH है, तो ये OH ईजिली रिमूव हो जाता है, जिसके कारण इस सब्सटेंस का जो नेचर है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। और कहाँ पे पोजीशन है इसकी? न्यूक्लियस में है। तो अल्टमैन ने इसीलिए इसको क्या टर्म दे दिया? न्यूक्लिक एसिड दे दिया। फिर हम देखते हैं कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर हम लोग पढ़े हैं, कितने तरीके के होते हैं? दो, डीऑक्सीराइबोज या तो राइबोज। तो अगर पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड में कैसी होगी? डीऑक्सीराइबोज, तो ये डीएनए हो जाएगा। अगर पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड में कैसी होगी? राइबोज होगी, तो क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं डीएनए के बारे में, फिर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरीके का डीएनए प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके का डीएनए प्रेजेंट है, वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो कौन सा वायरस है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए जो है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हम लोग 9-10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं डीएनए का फुल फॉर्म, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपको इजीली याद ही होगा। अच्छा, डीएनए टर्म दिया किसके द्वारा गया था? एडवर्ड जकारिया के द्वारा दिया गया था। तो डीएनए टर्म गिवन बाई एडवर्ड जकारिया, और जो इसकी स्ट्रक्चर है डीएनए का वो डिस्क्राइब किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो अगर आप पूछ लें कभी भी कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्क्राइब्ड बाई, तो आपको आंसर लगाना है वाटसन एंड क्रिक। अच्छा, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? इन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा बताया गया डेटा जो है उसको यूज किया था, और तब जो है इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया था। इसी के लिए इन्हें, वाटसन को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ डीएनए भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं डीएनए किन सेल्स में किस तरीके का होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो सर्कुलर होगा, लीनियर नहीं होगा। और मान लीजिए ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, और डीएनए कैसा होगा? ये लीनियर, आपको देखेंगे सर्कल नहीं बना होगा, ये कैसा होगा? लीनियर होगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है। साथ ही साथ कुछ हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वायरस होते हैं, जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए ना हो करके क्या होता है? डीएनए होता है। तो आपको याद रखना है उस वायरस का नाम कोलीफेज 5X174 जो होता है, वो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है? डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता।
अब स्ट्रक्चर में देखें कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करते हैं या डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो कि रोजालिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था, स्टडी करी गई थी उनके द्वारा डीएनए के, और उन्होंने कुछ डेटा रखा जिसका यूज करके वाटसन और क्रिक ने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है। सरग्राफ रूल भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सरग्राफ रूल होता क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि सरग्राफ रूल क्या करता है, हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये होता कि कौन कौन से रूल क्या हैं, तो इनका फर्स्ट जो रूल था उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो उसमें जो एडिनिन का नंबर है उस वो थायमिन के बराबर, और ग्वानिन का नंबर जो है वो साइटोसिन के बराबर होगा। और हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखेंगे कि एडिनिन की बॉन्डिंग थायमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होती है और इनके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और साइटोसिन की बॉन्डिंग किसके साथ होती है, ग्वानिन में के साथ होती है, और तीन हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में बनते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि कौन कौन सी पोजिशन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की और किस में डबल बॉन्ड हो रहा है किस में ट्रिपल। तो ये आपको याद रखना है, अभी यहाँ पे किडनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बाद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि एडनिन का नंबर थायमिन के बराबर, यहाँ पे देखिए एडनिन इक्वल्स टू नंबर ऑफ थायमिन एंड नंबर ऑफ ग्वानिन इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन, जिसको हम लोग इसके थ्रू भी समझ सकते हैं, एडनिन इक्वल टू थायमिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। दूसरा जो रूल था इन्होंने बताया कि एडनिन और थायमिन का सम और इसका रेशियो किसके साथ, ग्वानिन और साइटोसिन के साथ, ये क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है। जैसे हम प्रोकैरियोट में देखें तो प्रोकैरियोट में अगर एग्जांपल के लिए देखें इनका रेशियो किसका, एडनिन प्लस थायमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन का, तो कितना होता है 0.92। ये रेशियो कितना होता है 0.92, और ये मोर देन वन होता है। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा होगा, किसके केस में, ह्यूमन के केस में 1.52। एग्जाम्पल के लिए देखिए कितना दिया हुआ है 1.52, ये निगेटिव नहीं है, ये 0.92 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये निगेटिव नहीं है, ये 1.52 है। ठीक है, अब फिर इसके हेल्प से, इस रूल के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सरग्राफ रूल हम लोग क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में देखें तो वहाँ पे अगर हम लोग प्यूरीन का सम लें और पायरिमिडीन का सम लें तो दोनों इक्वल होगा। मतलब अगर ग्वानिन का नंबर देखें और एडनिन का नंबर जोड़ लें और साइटोसिन का नंबर और थायमिन का नंबर ऐड करें तो इनका जो सम होगा दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है। और मोलर रेशियो, मोलर रेशियो जो भी वैल्यू दी होगी, अगर आपको मान लो वैल्यू मोल में दी हुई है कि एडनिन इतने मोल है थायमिन इतने मोल है, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो इनका मोलर रेशियो होगा ना ये वन आएगा। कितना आएगा, वन आएगा। इसी तरीके से ग्वानिन और साइटोसिन का अगर मोलर रेशियो लें तो कितना आएगा, वन आएगा। तो ये कौन बताया था, सरग्राफ ने बताया था कि मोलर रेशियो ऑफ एडनिन थायमिन इक्वल टू वन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन का जो मोलर रेशियो होगा वो भी कितना होगा, वन ही होगा। फिर इन्होंने बताया कि एडनिन प्लस थायमिन, एडनिन और थायमिन का सम जरूरी नहीं है कि ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर हो। अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू दी हुई हो तो परसेंटेज में, या नॉर्मल वैल्यू दी हुई हो तो नॉर्मल, कभी भी बराबर नहीं होगा। एडनिन और थायमिन का सम कभी भी ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर नहीं हो सकता, या हो भी सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हो ही, बट ऐसा नहीं होगा कि एडनिन और थायमिन का सम ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू सरग्राफ रूल, विट इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू सरग्राफ रूल। तो आपको ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताइए कौन से सरग्राफ रूल को रिगार्डिंग सही नहीं है। तो जैसे यहाँ पे दिया है एडनिन प्लस थायमिन इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो यहाँ पे ये बोल दिया कि एडनिन और थायमिन का जो सम होगा ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। भाई कोई हमारे पास ऐसा स्टैंड आ सकता है जहाँ पे बराबर ना हो, तो ये कोई इनका फैक्ट रूल नहीं था। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि एडनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन, हाँ ये सही है क्योंकि हम लोगों ने देखा अभी प्यूरिन, ये दोनों क्या है, ये प्यूरिन है और इक्वल टू पायरिमिडिन, ये दोनों पायरिमिडिन है, तो प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडिन, तो यहाँ पे ये रूल करेक्ट है। फिर यहाँ पे है एडनिन प्लस ग्वानिन
अपॉन साइटोसिन प्लस थायमिन। तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन अपॉन पायरिमिडिन अगर हम लोग इसको अपॉन में कर दें तो इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब ये दोनों सही हैं रिगार्डिंग सरगैफ रूल, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब हमारे पास इस आंसर का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या है, ए होगा, ठीक है, क्योंकि ए वाला ऑप्शन सरगैफ रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सैंपल यील्ड्स 18% ऑफ साइटोसिन, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन बेसिस इन द सैंपल। अब आपको सरगैफ रूल के अकॉर्डिंग पता है कि जो साइटोसिन किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है, एडेनिन किसके बराबर होता है, थायमिन के बराबर होता है। तो अगर एक सैंपल में आपको साइटोसिन की वैल्यू दी हुई हो तो आपको ग्वानिन की वैल्यू पता चल जाएगी, ज़रूर पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 18% है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्वानिन भी 18% हो जाएगा। मान लीजिए अब हमारे पास 100% टोटल सैंपल है, उसमें से हमारे पास 18% ग्वानिन आ गया और 18% साइटोसिन, ये वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो टोटल कितना हो गया, 36 हो गया। तो 100 - 36 कर दीजिए, 100 - 36 कर दीजिए, तो 100 - 36 कितना हो जाएगा, 64। और ये 64 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्यों 2 कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 नाइट्रोजनस बेस और बचे हैं एडनिन और थायमिन के लिए, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। और ये 32 जो है वो थायमिन का और एडनिन का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है एडनिन इक्वल टू थायमिन अगर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो आपको यहाँ पहले ही दे दिया है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सैंपल, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन की वैल्यू दे दी हुई है और हमें पूछ रहा है एडनिन की वैल्यू, तो आप इजीली यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन दिया है तो हमने बताया कि ग्वानिन की वैल्यू निकल जाएगी 18% और एडनिन की वैल्यू दी है, एडनिन की वैल्यू और थायमिन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 36 जो है 100 में से माइनस कर दीजिए, 64 आएगा, और 64 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमारे पास कौन कौन से बेस बचे हैं, थायमिन और एडनिन बचा हुआ है। अब 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 32 आएगा, तो यहाँ पे एडेनिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन के अलावा मान लीजिए आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्वानिन थायमिन और एडेनिन, तो आप बता दीजिए कि ग्वानिन यहाँ पे 18% होगा, थायमिन 32% होगा, एडेनिन 32% होगा। तो इजीली आप इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। तो आपने देखा अभी तक इस वीडियो में डीएनए क्या होता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन कौन से हमारे पास क्ल्यू हैं जिससे हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।